फवाद खान और सनम सईद की जोड़ी एक बार फिर लौट आई है। जिंदगी गुलजार है जैसा ब्लॉकबस्टर शो देने के बाद ये लोग इस बार बरजक के साथ आए हैं। बरजक पाकिस्तानी वेब सीरीज है जिसे जिंदगी चैनल ने बनाया है। बरजक को फ्रांस में होने वाली सीरीज मेनिया फेस्टिवल में प्रीमियर किया जाना है। ये फेस्टिवल 21 से लेकर 23 मार्च तक चलने वाला है। बरजक की कहानी पाकिस्तान की हुंजा वैली में सेट है। इस इलाके को काफी रहस्यमयी माना जाता है। यहाँ के बारे में कई दंत कथाएं चलती हैं, इसलिए सीरीज में भी सुपर नेचुरल और जादुई यथार्थवाद के गुण पाए जाएंगे। हालांकि मेकर्स के मुताबिक बरजक बुनियादी तौर पर एक फैमिली ड्रामा है जिसमें प्रेम, किसी करीबी को खोने और बिछोह जैसे मसलों पर बात की गई है। इस सीरीज में फवाद खान एक सिंगल पेरेंट का रोल कर रहे हैं जिसका कोई नज़दीकी गुजर गया है। उसने जो खोया है उसके अपराध बोध तले दबा हुआ है। वहीं सनम सईद सीरीज की फीमेल लीड है। थोड़ी मिस्टीरियस है इसलिए लोग ऐसा मानते हैं कि उसमें कुछ सुपर नेचुरल शक्तियाँ हैं। वाकई ऐसा है या नहीं ये तो शो देखने के बाद ही पता चलेगा। बरजक सीरीज मेनिया फेस्टिवल में प्रीमियर किए जाने के साथ कई कॉम्पिटिशन्स का भी हिस्सा है। इसे इंटरनेशनल पैनारोमा लाइनअप सेक्शन में दिखाया जाना है। इस सेक्शन में कुल 12 कैटेगरीज हैं जिसमें अवार्ड्स मिलने हैं। बरजक को बेस्ट सीरीज, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर जैसी श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा ये सीरीज स्टूडेंट ज्यूरी अवार्ड और ऑडियंस अवार्ड के लिए भी नॉमिनेटेड है। बरजक को डायरेक्ट किया है आसिम अब्बासी ने। आसिम ने 4 शॉर्ट फिल्में बनाने के बाद 2018 में अपना फीचर फिल्म डेब्यू किया। उन्होंने केक नाम की फिल्म डायरेक्ट की थी जिसमें सनम सईद, आमिना शेख और अदनान मलिक ने लीड रोल्स किए थे। इसके बाद अब्बासी ने खूब पॉपुलर हुई सीरीज चुड़ैल्स डायरेक्ट की थी। अब वो बरजक लेकर आ रहे हैं। बरजक की रिलीज डेट अभी नहीं अनाउंस की गई है। पाकिस्तान में इसे जिंदगी नेटवर्क पर देखा जा सकेगा। इंडिया में इसे चुड़ैल्स की ही तरह Z5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।